हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दिस चैनल इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज फोर पॉइंट टू ऑफ क्लास एट कंस्ट्रक्ट फॉलोइंग अब यहाँ पर हमने ड्रॉ करनी है क्वारिलेटरल लिफ्ट सो so, पहले हम एक रफ कॉर्डिलेटर ड्रॉ कर लेंगे इससे क्या होता है कि हमें समझ में आ जाता है कि हमने कैसे कैसे क्वारिलेटरल ड्रॉ करनी है ओके सो यहाँ पर देखो एल आई गिवन है फोर सेंटीमीटर सो दिस साइड इज गिवन आई एफ थ्री सेंटीमीटर दिस साइड इज गिवन टीएल टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दिस साइड इज गिवन टू प्वाइंट फाइव सेंटीमीटर एल एफ मतलब ये वाला डायग्नल दिस इज ऑल्सो गिवन फोर प्वाइंट फाइव सेंटीमीटर आई टी ये सेकेंड डायगनल भी गिवन है दिस इज फोर सेंटीमीटर सो यहां पर हमें थ्री साइड्स गिवन है एंड टू डायगनल्स So, सबसे पहले हमने डायग्नल ड्रॉ करना होता है सो so, यहां पर हमें टू डायग्नल गिवन है तो आप कोई सा भी एक डायग्नल पहले ड्रॉ कर सकते हो ओके सो आई विद डायग्नल एल एफ एल एफ गिवन है 4.5 सेंटीमीटर तो 4.5 सेंटीमीटर का हम एक पहले लाइन सेगमेंट बना लेंगे सो 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लो सो so, यहां पर हमने ड्रॉ कर लिया डायगनल एल एफ अब ये जो रफ फिगर है इसमें एल एफ यहां पर है यहां पर है पॉइंट टी सो एल टी हमें गिवन है टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो एल पॉइंट पर हम नीडल के कॉम्पस से ऊपर की तरफ एक आर्क लगाएंगे ऑफ रेडियस टू फाइव सेंटीमीटर सो इस तरह से आपने अपने कॉम्पस रूलर के ऊपर रख के टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मेजर कर लेना है नाउ एल पॉइंट के ऊपर नीडल रख के मेक एन आर्क अब टी पॉइंट से जो दूसरी साइड है टी एफ दिस इज नॉट गिवन सो इस आर्क को अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं नाउ वी विल फोकस ऑन दिस वर्टेक्स आई एल आई इज ऑल्सो गिवन एफ आई इज ऑल्सो गिवन सो एन पॉइंट से हम नीचे की तरफ एक आर्क लगा देते हैं ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर सो रूलर के ऊपर इस तरह से आप फोर सेंटीमीटर मेजर कर लो कैंपस से एल पॉइंट पर नीडल रख के इस तरह से एक आर्क लगा दो नाउ एफ आई भी गिवन है सो एफ पॉइंट से हम एक आर्क लगा देंगे यहां नीचे की तरफ ऑफ रेडियस थ्री सेंटीमीटर सो रूलर के ऊपर कंपस से थ्री सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर लो एंड एफ पॉइंट से नीचे की तरफ लगा दो एक आर्क नाउ जिस पॉइंट पे ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो है आपका वर्टेक्स आई इसको नेम दे दो आई अब एल आई को एंड आई एफ को ज्वाइन कर दो इन दोनों साइड्स के मेजरमेंट भी लिख दो साथ में एल आई इज गिवन एज फोर सेंटीमीटर एफ आई इज गिवन एज थ्री सेंटीमीटर नाउ अब हमने ऊपर वाली भी दोनों साइड्स अभी बनानी है वो कैसे बनेंगी हमें एक और डायगनल गिवन है विच इज टी आई सो so, की मेजरमेंट क्या है टी या आई एक ही चीज है दिस इज फोर सेंटीमीटर सो हम क्या करेंगे आई वर्टेक्स अभी हमारे पास आ चुका है सो आई वर्टेक्स से हम एक आग ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस फोर सेंटीमीटर सो फोर सेंटीमीटर वाली ये आर्क इस आर्क को इंटरसेक्ट करेगी ओके एंड वी विल गेट फोर्थ वर्टेक्स सो रूलर के ऊपर आप कंपस से ऐसे फोर सेंटीमीटर मेजर कर लो एंड आई पॉइंट से एक लगाओ आर्क सो सुनाओ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज टी ठीक है जी सो दिस इज टी नाओ ज्वाइन एल टी एंड टी एफ ऑल्सो ज्वाइन दिस डायग्नल आई टी ये वाला डायगनल अब ये जो साइड्स हैं इनकी मेजरमेंट भी लिख दो एल टी इज एल टी इज टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर टी एफ टी एफ तो दिया नहीं है तो इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है टी आई आप लिख सकते हो यहां पर दिस इज फोर सेंटीमीटर ठीक है सो दिस कंप्लीट दि कॉर्डिलेटरल लिफ्ट अब यहां पर हमने कॉर्डिलेटरल बनानी है गोल्ड तो पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेंगे इसको नेम दे दो अब यहां पर हमें गिवन क्या क्या है ओ एल इज गिवन एज सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर जी एल इज गिवन एज सिक्स सेंटीमीटर जी एल ये डायग्नल गिवन है हमें जी डी सिक्स सेंटीमीटर दिस साइड एल डी फाइव सेंटीमीटर दिस साइड ओ डी टेन सेंटीमीटर ये वाला डायग्नल भी गिवन है So, सबसे पहले हमने क्या करना होता है यहां पर हमें थ्री साइड्स गिवन है एंड टू डायगनल्स गिवन है तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक डायगनल आप इन दोनों डायग्नल में से कोई सा भी डायगनल पहले ड्रॉ कर सकते हो ओके सो so, मैं पहले ये वाला डायग्नल ड्रॉ कर लेती हूं ओडी ओडी इज गिवन एज टेन सेंटीमीटर सो पहले हम टेन सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं नेम दे दो डी सो so, जब हम एक डायग्नल को इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो एक ट्राएंगल बनती है डायग्नल के ऊपर एंड एक ट्राएंगल बनती है डायग्नल के नीचे क्योंकि एक डायग्नल क्या करता है एक डायग्नल क्वारिलेटर को टू ट्राइंगल्स में डिवाइड कर देता है ठीक है सो so, अगर हम पहले इस वर्टेक्स के ऊपर फोकस करें एल के ऊपर तो यहां पर ये दोनों साइड गिवन है डी एल इज ऑल्सो गिवन एल ओ इज ऑल्सो गिवन सो so, हम डी पॉइंट से एक आर्क लगा लेंगे ऑफ रेडियस फाइव सेंटीमीटर एंड एक आर्क हम लगा लेंगे ओ से ऑफ रेडियस सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो रूलर के ऊपर इस तरह से कंपस से आप फाइव सेंटीमीटर मेजर कर लो एंड डी पॉइंट से आपने लगानी है आर्क डी पॉइंट पर नीडल रखो ऐसे एंड मेक एन आर्क अब नेक्स्ट आर्क हमने लगानी है पॉइंट ओ से ऑफ रेडियस सेवन प्वाइंट फाइव सेंटीमीटर सो रूलर के ऊपर आप सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर मेजर कर लो एंड मेक एन आर्क ओ पॉइंट पर नीडल रख के इस तरह से आर्क लगा दो नाउ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज पॉइंट एल इसको नेम दे दो एल ज्वाइन ओ एल एंड एल डी अब हमने ये वाला वर्टेक्स फाइंड करना है जी सो जी के साथ हमें यहाँ पर कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स दिए हैं? एक तो हमें ये वाली साइड पता है डी जी सिक्स सेंटीमीटर सो डी पॉइंट से हमें एक आर्क बना देंगे नीचे सिक्स सेंटीमीटर की ऑल्सो वी आर गिवन जी एल जी एल भी हमें गिवन है ना सिक्स सेंटीमीटर तो एक आर्क हम बनाएंगे सिक्स सेंटीमीटर की फ्रॉम दिस वर्टेक्स एल क्योंकि एल वर्टेक्स तो अभी हमारे पास आ चुका है राइट right? तो जहां पर ये दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगी दैट विल बी वर्टेक्स जी सो कॉम्पस से सिक्स सेंटीमीटर मेजर कर लो रूलर के ऊपर एंड डी पॉइंट से लगा दो एक आर्क अब नेक्स्ट आर्क हमने लगानी है सिक्स सेंटीमीटर की वर्टेक्स एल से बिकॉज जी एल इज गिवन एज सिक्स सेंटीमीटर सो रूलर के ऊपर आप कंपस से इस तरह से सिक्स सेंटीमीटर मेजर कर लो एल पॉइंट से आप इस तरह से लगाओगे आर्क सो so, जो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दिस इज जी नाउ ज्वाइन ओ जी डी जी एंड एल जी अब हमने साइज की मेज़रमेंट्स भी लिखनी है सो ओ एल इज सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर एल डी इज फाइव सेंटीमीटर जी डी सिक्स सेंटीमीटर ओ जी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है एल जी एल जी इज गिवन एज सिक्स सेंटीमीटर सो इसको भी लिख दो ऐसे सिक्स सेंटीमीटर ओडी इज टेन सेंटीमीटर तो इसको भी यहां पर मेंशन कर दो ओके okay? तो ये बन गई आपकी कोऑर्डिनेटर गोल्ड जी ओ एल डी अब यहां पर हमने ड्रॉ करनी है रोमबस बेंड तो हम पहले एक रफ रोम्बस बना लेते हैं इसको नेम दे देते हैं अब गिवन क्या है हमें बी एन इज गिवन मतलब एक डायगनल गिवन है डीई इज गिवन मतलब दूसरा डायगनल भी गिवन है सो तो यहां पर उन्होंने रोम्बस के सिर्फ टू डायग्नल्स दिए हैं रोम्बस की कोई भी साइड मैंशन नहीं की हुई अब रोम्बस के डायगनल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका यूज करके वी कैन ड्रॉ दी रोम्बस इवन विद दिस टू डायग्नल जो डायग्नल होते हैं रोम्बस के दे बाइसेक्ट ईच अदर एट नाइन्टी डिग्री ओके सो रॉम्बस के जो डायग्नल होते हैं दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स सो इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे रोम्बस को ड्रॉ करने के लिए ओके okay? सो so, सबसे पहले हमने क्या करना है हमने एक डायग्नल ड्रॉ करना है तो आप कोई सा भी डायगनल पहले ड्रॉ कर सकते हो आप डीई भी ड्रॉ कर सकते हो बी एन भी ड्रॉ कर सकते हो ओके सो आई विल ड्रॉ डायग्नल डीई विच इज सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर का हम एक लाइन सेगमेंट बना लेंगे दिस इज डी दिस इज ई सो ये वाला डायगनल हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया इसकी मेजरमेंट लिख दो सिक्स पॉइंट फाइव सेंटीमीटर डायगनल ऑफ रॉम्बर्स दे बाइसेक्टीचर एट नाइंटी डिग्री तो हम क्या करेंगे हम इस डायगनल का मतलब इस लाइन सेगमेंट डीई का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले ड्रॉ करेंगे सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो इस डायग्नल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी मतलब इस डायग्नल को बाइसेक्ट करेगी एंड बाइसेकट करेगी नाइनटी डिग्री पे ठीक है सो so, अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने कैसे ड्रॉ करना है अपनी कॉम्पस लीजिए यहां पर रखो इसको पॉइंट ई पर अब इस कॉम्पस को आपने ओपन करना है इस लाइन सेगमेंट के हाफ से ज्यादा ओके सो so, जैसे मैं इसको इतना ओपन कर लेती हूं अब ये हाफ से ज्यादा ओपन है राइट सो so, कॉम्पस को मैं रखूंगी यहां पर एक आर्क लगा दो ऐसे ऊपर एक आग लगा दो ऐसे नीचे अब जितनी आपने कॉम्पस ओपन की हुई है उतनी ही ओपन रखोगे आप। एंड इस पॉइंट पॉइंट से, से एक आग लगा दो ऊपर भी एंड नीचे भी अब जो ये वाले दोनों पॉइंट्स बने हैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके आप लगा दो एक स्ट्रेट लाइन सो दिस इज दर्पेंडिकुलर बाई सेक्टर ओके नाउ जो सेकेंड डायग्नल दिया हुआ है बी एन उसकी लेंथ है 5.6 पॉइंट सेंटीमीटर अब जो 5.6 पॉइंट सेंटीमीटर का हमने डायगनल मेजर करना है वो करना तो इसी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पर है सो so, अगर BN की टोटल लेंथ 5.6 पॉइंट सेंटीमीटर दी है तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इससे हाफ आएगा ऊपर 5.6 का एंड हाफ आएगा नीचे 5.6 का सो so, फाइव को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो दिस विल बी टू पॉइंट एट ठीक है जी सो so, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप नेम दे दो लेट्स नेम इट एज पॉइंट एम सो एम पॉइंट से ऊपर की तरफ आएगा टू प्वाइंट एट सेंटीमीटर एम पॉइंट से नीचे की तरफ भी आएगा टू प्वाइंट एट सेंटीमीटर ओके सो रूलर के ऊपर अपनी कंपस से आप टू प्वाइंट एट सेंटीमीटर मेजर कर लो पॉइंट एम पर कंपस रख के ऊपर एंड नीचे इस तरह से दोनों साइड पर आप आक्स लगा दो अब आपके पास जो ये वाले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं ये हैं आपके अदर टू वर्टेस ऑफ दिस रोम्बस सो डीई ऑलरेडी आ चुका है तो यहां पर इसको नेम दे दो एन इसको नेम दे दो बी सो नाउ ज्वाइन ऑल दीज फोर साइड ऑफ रोम्बस ज्वाइन बी डी ज्वाइन बीई यहां पर यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ज्वाइन एनी ज्वाइन डी ओके अब आपने इस ड्राइंगनल की मेजरमेंट लिख दी थी ऑलरेडी 6.5 सेंटीमीटर इसको हम इस तरह से एरो डाल के शो कर देते हैं बी एन एस फाइव सेंटीमीटर दिस डाइंगल इसको भी हम यहां पर मेंशन कर देते हैं ठीक है इस तरह से ओके okay? सो दिस कम्प्लीट्स रॉम्बस बेंड एंड स्टूडेंट्स इसके साथ आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी साथ में लिखने होते हैं सो so जैसे जैसे आप फिगर ड्रा करते जाते हो वैसे ही आपने अकॉर्डिंगली स्टेप्स को लिखना होता है मैंने एक्सरसाइज फोर पॉइंट वन में हाउ टू राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डिटेल में कवर किया हुआ है सो so उसका रेफरेंस लेके आप इस क्वेश्चन के स्टेप्स भी लिख सकते हो सो देट्स एट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स मोर क्वेश्चन वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोज थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर